फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रू होप फार्मेसी। जैसा कि हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था जनरल एनेस्थीसिया जो है आता है आपके फार्माकोलॉजी यूनिट 4 में, ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकंड टॉपिक है आपका जनरल एनेस्थीसिया। तो पार्ट वन में हम लोगों ने देखा था उसका इंट्रोडक्शन देखा था और उसका देखा था आइडियल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, उसके मोड ऑफ एक्शन क्या है और उसके स्टेज क्या क्या जो है जनरल एनेस्थीसिया के कितने स्टेज होते हैं। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था, आज उसके आगे बात करेंगे। जो है देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं जनरल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स पार्ट टू में जो है हम बात करेंगे आज बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन। यहाँ आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। फिर उसके बाद देखेंगे उसके क्लासिफिकेशन के एक पार्ट को लेंगे, जैसे इन्हेलेशनल है तो इन्हेलेशनल में उसका फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फिर उसके जो है ड्रग का पूरा देखेंगे कौन कौन सा ड्रग है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल ट्रू होप फार्मेसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियो के सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर करिए। और अगर आपको फार्माकोलॉजी वी फॉर्म से किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे आज है जनरल एनेस्थीसिया। देखिए जनरल एनेस्थीसिया हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया जो है बेसिकली पहले तो दो टाइप से डिवाइडेड होता है, एक इनहेलेशनल एनेस्थीसिया एक इंट्रावेनस एनेस्थीसिया। तो इनहेलेशनल मतलब कहने जिस ऐसे को जिसको हम इनहेल करते हो अपने नाक के थ्रू उसको जो है बॉडी में एडमिनिस्टर करते हो उसको कहते हैं इनहेलेशनल एनेस्थीसिया। और इंट्रावेनस कहने का मतलब सीधा उसको वेंस में हम देते हो, सीधे वो जाके ब्लड स्ट्रीम में घुल जाता हो। तो पहले हम बात कर लेते हैं इनहेलेशनल। तो देखिए जो इनहेलेशनल एनेस्थीसिया हुआ है, आप देख सकते हैं बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, गैसेस एनेस्थीसिया और लिक्विड एनेस्थीसिया। गैसेस में आपका आ जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और साइक्लोप्रोपेन, और लिक्विड में आ जाएगा हाइलोथेन, एनफ्लुरेन, सीबोफ्लुरेन, डेसफ्लुरेन, बहुत से ड्रग आते हैं। तो ये आपका हो गया इनहेलेशनल। और दूसरा आप बात करते हैं इंट्रावेनस। तो इंट्रावेनस में है जो बेसिकली चार पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड है, इंड्यूसिंग एजेंट जिसमें आपका थायोपेंटोन, उसके बाद प्रोफोल आता है, और डिसोसिएटिव एजेंट्स या डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया में कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड आता है। उसके बाद तीसरा आपका है ओपिएड एनाल्जेसिक में फेंटैनिल आता है, और चौथा आपका है बेंजोडाइजापिन जिसमें डाइजीपाम है और मिडाजोलम है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अलग से भी पूछा जाता है। तो आज हम बात करेंगे इसके एक पार्ट्स को लेके जो है इनहेलेशनल एनेस्थीसिया। देखिए इनहेलेशनल एनेस्थीसिया में क्या उसका हम देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन और उसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं तो देखिए हम बात कर लेते हैं इनहेलेशनल में पहले देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक की इनहेलेशनल एनेस्थीसिया कैटेगरी के जितने ड्रग हैं उनका फार्माकोकाइनेटिक क्या है। तो देखिए इसको क्या है, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर एडमिनिस्टर किया जाता है, और जब ये अपने स्टडी स्टेट में पहुंच जाते हैं जिस स्टेट पे इनको एक्शन शो करना होता है, तो जो लंग्स का कंसंट्रेशन होता है एनेस्थेटिक ड्रग का और ब्रेन का कंसंट्रेशन होता है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, उनको कहते हैं स्टडी स्टेट ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। और दूसरा आप बात कर लें कुछ इसमें टर्म्स हैं, तीन टर्म हैं। पहला आपका है मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन। तो देखिए मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन क्या है, लोवेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया इन एल्बुलाई डेट इमोबिलाइज 50% ऑफ सब्जेक्ट। देखिए मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में MAC कहते हैं, ये क्या होता है, लोवेस्ट कंसंट्रेशन होता है जनरल एनेस्थीसिया का, जो क्या करे किसी सब्जेक्ट या किसी ऑर्गन को 50% एल्बुलाई में वो कंसंट्रेशन जनरल एनेस्थीसिया का लंग्स के एल्बुलाई में वो कंसंट्रेशन जो 50% सब्जेक्ट या 50% किसी ऑर्गन को इमोबिलाइज कर दे। दूसरा बात करते हैं सेकंड गैस इफेक्ट। देखिए जब हम नाइट्रस ऑक्साइड एडमिनिस्टर करते हैं हाई कंसंट्रेशन में तो उसके ऊपर दूसरे गैस का इफेक्ट जो है आने लगता है, जिससे क्या होता है कि जो एल्बुलाई का एल्बियोलर टेंशन है वो बढ़ जाता है। ये आपका हो गया सेकंड गैस इफेक्ट। अब थर्ड बात करते हैं कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है, यहाँ आप देख सकते हैं कंसंट्रेशन इफेक्ट। देखिए जब किसी भी ड्रग को हम हाई कंसंट्रेशन में ले लेते हैं तो वह एल्बियोलर टेंशन को बढ़ा देता है। तो ये हो गए कुछ टर्म्स थे आपके, मिनिमम एल्बियोलर कंसंट्रेशन, दूसरा था सेकंड गैस इफेक्ट और तीसरा था कंसंट्रेशन इफेक्ट। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ इनहेलेशनल एनेस्थीसिया, क्योंकि हम आज की वीडियो में केवल
बात करेंगे इन्हेलेशनल के बारे में, यही जो मेन है। और दूसरा वीडियो में पार्ट्स के पार्ट थ्री में हम बात करेंगे इंट्राविनस के बारे में। तो बात कर लेते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन में। पहला आप कहाँ CNS की सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट करता है, तो देखिए ये इंक्रीज करता है सेरिब्रल ब्लड फ्लो को, सेरिब्रल ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है बाई डिक्रीजिंग वैस्कुलर रेजिस्टेंस। जो सेरिब्रल का वैस्कुलर रेजिस्टेंस को डिक्रीज करके, जब वैस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, और ब्लड फ्लो के बढ़ने से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है जिससे CNS डिप्रेस हो जाता है। तो ये क्या CNS। और दूसरा बात करते हैं किडनी और लीवर में क्या इफेक्ट होता है, तो देखिए किडनी में होता है क्या करता है, डिक्रीज करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को, और क्या करता है जो है रीनल और हिपेटिक ब्लड फ्लो को, और लीवर में क्या करता है हिपेटिक ब्लड फ्लो को डिक्रीज कर देता है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इनहिबिटरी एक्शन शो कर रहा था, इसके न्यूरो ट्रांसमीटर जो थे इनहिबिटरी एक्शन शो कर रहे थे, तो इनहिबिटरी यहाँ जो है रिस्पॉन्स आएगा। तीसरा बात करते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट करता है, देखिए ये रिस्पायरेटरी डिप्रेसेंट है, रिस्पायरेशन को डिप्रेस करता है, और क्या करता है ब्रोंको डायलेटर है, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देता है। अब चौथा बात करते हैं कि CVS कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या इसका इफेक्ट है, देखिए कार्डियोवैस्कुलर दो इफेक्ट दिखाता है, एक आपका होता है टैकीकार्डिया, एक होता है ब्रैडीकार्डिया। टैकीकार्डिया होता है जो है ब्लड प्रेशर का इंक्रीज करना, और ब्रैडीकार्डिया होता है ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करना। तो ये होता है CVS में। अब दो क्योंकि हम बात कर रहे हैं इन्हेलेशनल में, तो इन्हेलेशनल के दो पार्ट्स हैं गैसेस और लिक्विड। तो गैसेस का एक ड्रग जिसमें हम ले लेंगे नाइट्रस ऑक्साइड, और लिक्विड का एक ड्रग जिसमें लेंगे हैलोथेन। इसी को देखेंगे कि ये क्या क्या ड्रग है, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। तो देखिए पहले बात कर लेते हैं इन्हेलेशनल में गैसेस वाले का नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, ऐसे ये जो ऐसे गैस है जो स्लाइटली स्वीटिश ऑर्डर के होते हैं, थोड़ा मीठे ऑर्डर के होते, मीठा इनका जो है टेस्ट आता है, लाइट एनाल्जेसिक इफेक्ट, लाइट एनेस्थेटिक इफेक्ट शो करते हैं। ये क्या करते हैं कि थोड़ा कम इफेक्ट दिखाते हैं एनेस्थेटिक का, जिससे रिस्पायरेटरी डिप्रेशन नहीं होता है। और इसका जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज आप पद्मजा उदय कुमार की मेडिकल फार्माकोलॉजी की बुक से आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ जगह नहीं था इसलिए मैंने बताया नहीं। छोटा सा है कि क्या है कि उसका रैपिड एक्शन देता हो, जो है इसका ब्लड स्ट्रीम में सीधे नहीं जाके घुलता, ये सब उसके एडवांटेज हैं। और हैलोथेन में बात कर लेते हैं। दूसरा जो है आपका लिक्विड फॉर्म वाला हैलोथेन क्या है, कलरलेस ओलाटाइल लिक्विड है विथ स्वीट ऑर्डर। ये भी क्या है, कलरलेस ओलाटाइल लिक्विड है जो उड़ जाते हैं, ये भी मीट जो स्वाद में मीठा होता है। दूसरा बात करते हैं, ये सेकंड पॉइंट है नॉन एरिटेंट एंड नॉन इन्फ्लेमेबल है। देखिए जब मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जनरल एनेस्थीसिया के आइडियल कैरेक्टरिस्टिक में कि उस किसी भी जनरल एनेस्थीसिया को नॉन एरिटेंट एंड नॉन इन्फ्लेमेबल होना चाहिए, तो जो हैलोथेन है वो नॉन एरिटेंट और नॉन इन्फ्लेमेबल है। ये आपका स्ट्रक्चर, आप जनरल स्ट्रक्चर देख सकते हैं जिसका हैलोथेन का। तो ये आपका आज ख़त्म होता है पूरा इन्हेलेशनल क्लासिफिकेशन का, फर्स्ट जो था इन्हेलेशनल एनेस्थीसिया। अब हम सेकंड जो है इसके पार्ट थर्ड में, तीसरे पार्ट में बात करेंगे इंट्रावीनस के जितने ड्रग हैं उनके बारे में, उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक सब कुछ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके पहले वाले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप लोग देखिए, तभी आप इसके सेकंड पार्ट को समझ पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।